हमारे चैनल सॉल्यूशन बाय सार्थक को सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में बेल आइकन पे भी टैप करें ताकि हमारे मोबाइल रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। हेलो दोस्तों, मैं सार्थक एंड आप देख रहे हैं सॉल्यूशन बाय सार्थक। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम ऐप रिव्यू की वीडियो करने वाले हैं। हम एक ऐप का रिव्यू करने वाले हैं जिस ऐप का नाम है ऑल इन वन जेस्टर्स। तो जी हाँ, ये एक शॉर्टकट ऐप है और ये बाकी ऐप्स की तरह नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत ढेरों सारी फंक्शनलिटी मिल जाती है आपको अपने फोन को कंट्रोल करने के लिए, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के शॉर्टकट मिल जाते हैं। आप यहाँ से, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो, कैमरा ऑन कर सकते हो, यहाँ पे आप अपने फोन की कोई भी एप्स ओपन कर सकते हो। उसके अलावा आपको जो नॉर्मल जो शॉर्टकट होते हैं वो भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है वो अपने फोन के बटन का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और आप अपनी स्क्रीन से भी शॉर्टकट कर सकते हो। तो जी हाँ, यहाँ पे फिजिकली और जो टच है वो दोनों तरीके से आप यहाँ पे शॉर्टकट को यूज कर सकते हो। तो इसलिए ये ऐप मुझे काफी पसंद आई और अभी हम ट्राई करने वाले हैं इस ऐप को। तो ये ऐप के जो है प्ले स्टोर पे 4.1 रेटिंग मिले है इसको और 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है। तो इसलिए ये मुझे काफी पसंद आई और ऐसी जो ऐप्स है वो आज के टाइम में हमें इसलिए बहुत जरूरी लगती है क्योंकि आजकल के जो फोन है वो बहुत बड़े होते जा रहे हैं। इसकी जो स्क्रीन है वो भी बहुत बड़ी होती जा रही है क्योंकि जो है वो 5.5 इंच के 6 इंच के फोन आते हैं, तो उसमें अगर हम कई बार एक हाथ से वो फोन को यूज करते हैं तो वहां पे हम अपना जो अंगूठा है उसको हम एक कोने से दूसरे कोने नहीं ले जा सकते क्योंकि स्क्रीन बहुत बड़ी होती है और हमारा अंगूठा पहुंचता नहीं है। मान लो कि अगर हमें ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल ओपन करना है तो हम नहीं कर सकते एक हाथ से। तो यहाँ पे ये ऐप में आप सिर्फ नीचे से ऐसे स्वाइप करेंगे तो भी आपका नोटिफिकेशन पैनल ऊपर से गिर जाएगा, तो ये भी यहाँ पे एक बढ़िया सा शॉर्टकट है। उसके अलावा हमें कई बार जो है वो होम बटन दबाने के लिए ऐसे पूरा हाथ नीचे करना पड़ता है, तो ये यहाँ पे सब कुछ आपको बहुत सारी फंक्शनलिटी मिल जाती है। तो चलिए अभी इस ऐप को मैं यूज करके दिखाता हूँ कि कैसे यूज करना है, और ये यूज करने में भी काफी इजी है और इसकी साइज भी बहुत कम है, तो इसलिए मुझे ये ऐप बहुत ही पसंद है। तो बस अभी मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये रही वो ऐप ऑल इन वन जेस्टर्स, आप इसको डाउनलोड कर दीजिए, ऐसा है इसका लोगो। तो अभी इसको ओपन करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करना है। काफी सिंपल इसका इंटरफेस है, पहली बार में ही आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको 3 मेन मेनू दिए हुए हैं। यहाँ पे पहला है हार्ड कीज का ऑप्शन है, फिर दूसरा है स्वाइप और तीसरा है स्टेटस बार। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है वो हार्ड कीज और स्वाइप का ही है, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पे भी आपको और ऑप्शन दिए गए हैं, तो अभी स्वाइप में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो इनेबल करना होगा इसको, और मैंने तो इस ऐप को कई टाइम से इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए। और अगर आप पहली बार इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको कुछ परमिशन आएगी, तो वो आपको सेटिंग्स में जाकर इसको अलाउ करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे इसको इनेबल किया, फिर आप जो भी एरिया को शॉर्टकट के लिए यूज़ करना चाहते हो उसको आपको टिक करना होगा। तो अभी मैं राइट एरिया को करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए राइट एरिया में करूँगा तो राइट में एक ऐसी चीज़ आ जाएगी जहाँ पर हमें स्वाइप करना होगा, और हमें वो शॉर्टकट की कोई भी एक्शन चूज़ करनी होगी, मतलब कि हम स्वाइप करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम कोई भी ऐप लॉन्च करवा सकते हैं या फिर कोई एक्शन, या फिर यहाँ पे शॉर्टकट दिए हुए कुछ अलग अलग टास्क, तो वो या फिर यहाँ पे एक्शन भी हम कर सकते हैं कोई भी। और यहाँ पे जो एक्शन है वो बहुत इंटरेस्टिंग दी हुई है, काफ़ी सब की सब यूजफुल है। तो यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ से ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम कर सकते हैं, बहुत सारी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो स्टेटस बार ओपन कर सकते हैं, होम कर सकते हैं, बैक बटन पे जा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे सिंपल ब्राइटनेस करता हूँ और ब्राइटनेस का स्लाइडर करता हूँ मैं यहाँ पे। तो जैसा कि ब्राइटनेस के लिए हमें एकदम ऊपर जाकर नोटिफिकेशन पैनल ओपन करना पड़ता है, तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ आप राइट से ऐसे स्वाइप करेंगे तो देखिए ब्राइटनेस का ऊपर आ गया। तो ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं सिंपल, तो ये स्वाइप का हुआ। ऐसे ही हम जो है वो यहाँ पे कॉर्नर का भी सेट कर सकते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे मैं लोअर राइट एरिया वाला एक कॉर्नर करता हूँ, तो यहाँ से भी हम कोई भी कर सकते हैं। अभी मैं वॉल्यूम का कर देता हूँ जैसे कि, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बार हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे नीचे एक है, देखिए यहाँ से हमें स्वाइप करना पड़ेगा ऐसे लोअर राइट एरिया है वहाँ से ऐसे। तो देखिए वॉल्यूम का आ गया, तो हम कोई भी वॉल्यूम यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हैं, आपको बटन दबाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया स्वाइप का। अब यहाँ पे 8 तरह के अलग अलग शॉर्टकट जो है वो सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे अभी हार्ड कीज है। यहाँ पे क्या होता है कि आपके फ़ोन के जो नीचे की जो बटन होता है, जो बैक बटन होता है, होम बटन होता है, और जो रिसेंट ऐप को क्लियर करने का बटन होता है, मेनू बटन बोलते हैं, तो वो तीनों के जरिए हम यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको इनेबल करना पड़ेगा, और सेम वही तरीके से आप यहाँ पे सिंगल टैप का शॉर्टकट रखना चाहते हैं तो वो, या फिर डबल टैप करके, तो बस आप सेम तरीके से वो यहाँ पर भी एक्शन कोई भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी अपनी ऐप आप जो भी बार बार यूज़ करते हो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो बस यही था, ऐसे आप कोई भी जो शॉर्टकट है वो ऐड कर सकते हैं। कुल मिला के आपको 15-20 तरह के आप जो है वो अपने स्क्रीन पे या फिर बटन दबाकर शॉर्टकट रख सकते हैं।
तो इसलिए मुझे ये ऐप काफ़ी पसंद आई, तो इसलिए मैंने इसको रिव्यू कर दिया। तो आप भी इंस्टॉल करके फटाफट यूज़ करना सीख जाइए, सिंपल से है इसका यूज़ और साइज़ भी बहुत छोटी है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये ऐप भी पसंद आई होगी। और अगर ये ऐप आपके लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसी कमाल की ऐप यूज कर पाए। और अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं स्क्रीन पे, साथ ही साथ मेरी ये पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको एक अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।